गुड मॉर्निंग, मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से क्लास फोर्थ को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी विषय में है पार्ट दो अनूठे काम और आज इसका है भाग दो। मैंने भाग एक में आपको कहानी सुनाई है। कहानी आपको बहुत मज़ेदार लगी होगी, है ना? लगी ना मज़ेदार कहानी? पढ़ी क्या आपने? इस कहानी को दोबारा पढ़ो, वापस पढ़ो और अपने दोस्तों को सुनाओ। खूब मजे लो इस कहानी के, है ना? तो इस कहानी में अब मैं आपको आज शब्द ज्ञान कराने जा रही हूँ। तो देखो, शब्द ज्ञान, आप शब्द ज्ञान को पढ़ना, याद करना और सुंदर सुंदर अक्षरों में इसको लिखो। जितने अच्छी राइटिंग में लिखोगे उतने ही ज़्यादा आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है? देखो, आपको इसमें तद्भव शब्द के बारे में बताया है। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? हम अपनी हिंदी भाषा में अधिकांश शब्द जो है संस्कृत से लेते हैं, किंतु संस्कृत भाषा के शब्द कुछ बोलते समय या लिखते समय हमसे क्या होते हैं, उच्चारण में बिगड़ जाते हैं, या लिखते समय भी कई बार हम थोड़ा सा संस्कृत में नहीं लिखते, अपनी भाषा के अनुसार उसको लिख देते हैं। उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है? तो आपको तद्भव शब्द से तत्सम शब्द बनाना है। तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत भाषा के शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अपनी हमारी जो हिंदी भाषा है बहुत सीधी और सरल भाषा है, इसमें जितने भी तरह के शब्द होते हैं हम पचा लेते हैं। हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी हुई है, इसमें संस्कृत के अधिकांश शब्द आपके 40% शब्द हमें संस्कृत के मिलते हैं। हम संस्कृत के शब्दों को जो का त्यों जब अपनी हिंदी भाषा में लिखते हैं या बोलते हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। तो आपके इस प्रश्न में कुछ तद्भव शब्द दिए हुए हैं और तत्सम शब्दों में उनको लिखने हैं। तो अब देखिए, प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर एक है इसमें तद्भव। तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखो। तत्सम रूप लिखने हैं, ठीक है? तो आपका पहला, एक तरफ तो आप लिखोगे उत्तर डाल के, उत्तर लिखो और उसके बाद में तद्भव लिखो। एक तरफ लिखो तद्भव और एक तरफ लिखो तत्सम। तो आपको मैंने बता ही दिया कि तद्भव क्या होता है और तत्सम क्या होता है। मछली संस्कृत में हम इसको क्या कहते हैं? मत्स्य भी कहते हैं और इसको मीन भी कहते हैं, ठीक है ना? मत्स्य भी कहते हैं और मीन भी कहते हैं। तो आपके क्या हो गया? मछली का मीन हो गया, ठीक है? अब है राजा। अब राजा को हम क्या कहते हैं तत्सम में? नृप। नृप कहते हैं, नृप। नृप माने राजा, इस पे री की मात्रा लगी हुई है। उसके बाद में औरत। औरत को हम क्या कहते हैं? स्त्री। क्या कहते हैं? स्त्री। उसके बाद में है इंसान। समझ में आ रहा है? सुंदर सुंदर आप अक्षरों में नोट करना है इसको। इंसान, इंसान का होगा मानव। इंसान क्या कहेंगे हम? मानव। संस्कृत में इसको हम मानव कहते हैं। चिंता,
चिंता ये उर्दू का शब्द है और इसको हम क्या कहते हैं, परेशानी। परेशानी। इसके बाद में है आपके प्रशंसा। प्रशंसा का होता है तारीफ। करते हो ना आप किसी चीज़ की तारीफ, प्रशंसा करते हैं हम, है ना। तारीफ के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ये उर्दू और फारसी भाषा में लगा होता है, अरबी और फारसी भाषा में नुक्ता, यानी इसको हम थोड़ा सा आवाज़ को धीरे करते हुए बोलते हैं। तो आपने देखा मछली का मीन, राजा का नृप, औरत का स्त्री, इंसान का मानव, चिंता का परेशानी, प्रशंसा का तारीफ। तो आपने देख लिया ये अब हम देखेंगे विलोम शब्द। प्रश्न नंबर 2 है शब्द ज्ञान में विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, है ना। जिस शब्दों का हम उल्टा अर्थ लगा के लिखते हैं उसे कहते हैं विलोम शब्द। जैसे आपके मम्मी है, उसका हम उल्टा क्या करेंगे, पापा। वैसे ही आपको उल्टे शब्द लिखने हैं। राजा, तो पहला शब्द है इसमें आपके राजा। राजा का विलोम क्या होगा, रंक, क्योंकि राजा क्या होता है, बहुत श्रेष्ठ होता है, इसके पास धन दौलत होते हैं। रंक यानी बहुत छोटा आदमी, भिक्षुक है, इसकी कोई भी गणना नहीं होती है। गरीब, गरीब का उल्टा क्या होगा, अमीर। गरीब का उल्टा अमीर। महल, महल का उल्टा क्या हो जाएगा, झोपड़ी। महल का उल्टा हो जाएगा झोपड़ी। है ना, महल आपके शीशे से, हीरे से, चांदी से, बहुत चीज़ों से मिलकर बनता है। झोपड़ी तो बेचारी छोटे से तिनकों से बन जाती है, फूस से बन जाती है। भूलना, भूलना का उल्टा क्या अर्थ होगा, याद करना। भूलना का हो जाएगा याद करना। उसके बाद में है स्त्री। स्त्री का उल्टा क्या हो जाएगा, पुरुष। स्त्री का उल्टा क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। दिन का रात हो जाएगा, दिन का रात। इंसान का शैतान, इंसान का क्या हो जाएगा, शैतान। इनाम का दंड, इनाम मिलती है किसी को, किसी को पुरस्कार मिलता है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसको दंड मिल गया। ठीक है, अब आप देख लो विलोम शब्द। राजा का रंक, गरीब का अमीर, महल का झोपड़ी, भूलना याद करना, स्त्री पुरुष, दिन का रात, इंसान का शैतान, इनाम का दंड। अब हम देख हैं समान अर्थ वाले शब्द। आप देखो प्रश्न नंबर 3 है समान अर्थ वाले शब्दों पर सही का चिन्ह लगाना है। समान अर्थ वाले शब्दों पर सही सही का चिन्ह लगाना है। चिन्ह
चिन्ह लगाइए तो अब आपको समान यानी अर्थ मिलता जुलता है ना, जैसे आपका पेड़ का मिलता जुलता अर्थ है वृक्ष, नदी का मिलता जुलता है सरिता। इसी तरह यदि समान अर्थ है और सही है तो आपको सही पे लगाना है। उत्तर में देखो आपके दिया हुआ है, पहला है क घर, अब घर दिया हुआ है, इसके सामने दिया है मकान, मकान इसका समान अर्थ सही है या गलत है ये आपको बताना है, ठीक है। दूसरा दिया है वृक्ष, घर का वृक्ष दिया है तो ये सही है या गलत है ये बताना है। फिर दिया है आलय, अब इसमें आपको सही पर सही का चिन्ह और गलत पे गलत का लगाना है। तो घर का मकान होता है सही है, वृक्ष नहीं होता है तो गलत है, आलय आलय मकान का होता है क्या, होता है सही है, ठीक है। तो आपको ये करना है। अब राजा का देखो, राजा दिया है ख नंबर पर, राजा का आपके समान अर्थ होता है रंक, नहीं होता ना रंक, अभी मैंने आपको विलोम बताया था इसका विलोम होता है ना। आप दूसरा दिया है नृप, नृप होता है ना। अब महाराजा, महाराजा आप देखो, आप महाराजा भी राजा का होता है सही है, नृप भी होता है सही है, किंतु रंक क्या है राजा का विलोम अर्थ है तो ये सही नहीं है। इंसान, इंसान मनुष्य, मनुष्य सही है कि नहीं है, मनुष्य होता है ना आपके इंसान का कि नहीं होता। देखो मानव, मानव भी होता है, होता है ना मानव, हम मनुष्य को मानव भी कहते हैं। जानवर, किंतु हम जानवर नहीं कहते इंसान को, है ना, इंसान को आप जानवर कहते हो क्या, नहीं कहते, तो आप मनुष्य कहते हो ये सही है, मानव सही है और आपके जानवर गलत है। अब हम क्या देखते हैं आगे, लास्ट है प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा का क्या है बुराई, प्रशंसा का उल्टा होता है बुराई करना, है ना। प्रशंसा माने तो हम किसी की बहुत आपके तारीफ करते हैं, है ना। फिर है तारीफ, तारीफ है क्या इसकी सही, अभी मैंने बताया प्रशंसा माने स्तुति होता है, तारीफ होता है, सराहना है ना, किसी की हम सराहना कहते हैं वो भी तो प्रशंसा करते हैं ना। तो देखो बुराई तो क्या है इसकी, विलोम शब्द है, प्रशंसा का विलोम शब्द है बुराई, तो ये क्या है गलत है हमारा, तारीफ सही है और सराहना सही है। तो बच्चों आज मैंने आपको शब्द ज्ञान कराए, तद्भव शब्द बताए, विलोम शब्द बताए और समान शब्द बताए, तो आपको समझ में आ गया होगा और आप दोबारा पढ़ना और इसको साफ साफ अक्षरों में नोट करना, अब रफ कॉपी में लिख के दोबारा से याद करना, तो आपको याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। और कोई परेशानी हो तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।